बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है एस टी कॉलरिज का सुपर नेचुरलिज़म। ठीक है, हमें जब हम एस टी कॉलरिज पढ़ते हैं तो कॉलरिज की पोइम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है उसके पोइम्स में सुपर नेचुरलिज़म का यूज़, किस तरह वो सुपर नेचुरल को नेचुरल बना देता है और सुपर नेचुरल को इस तरह से डिपिक्ट करता है कि वो हमें बिल्कुल नेचुरल लगती है। ठीक है, जिस तरह बिल्कुल ऐसे नहीं होता जैसे पोप ऑफ द सॉरी रेप ऑफ द लॉक में पोप ने जिस तरह सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जिक्र किया तो वो बड़े आर्टिफिशियल से लग रहे हैं। ठीक है, तो कॉलरिज का सुपर नेचुरल जो है वो इस तरह आर्टिफिशियल नहीं है, इट इज़ क्वाइट नेचुरल। तो जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सुपर नेचुरल क्या होता है, सुपर नेचुरलिज्म क्या है। तो सुपर नेचुरल इज़ डिफाइंड एज थिंग्स और इवेंट्स दैट के नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचर और साइंस एंड दैट आर अज्यूम्ड टू कम फ्रॉम बियॉन्ड और टू ओरिजिनेट फ्रॉम अदर वर्ल्डली फोर्सेस। ठीक है, जो बियॉन्ड एक रियलिटी होंगे आपकी, जो आप इमेजिनेशन होती है, आप कहेंगे कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, और वो कुछ उस किस्म की चीज़ें होंगी। ठीक है, जैसे घोस्ट, विचेस, फेरीज, डेटीज, ठीक है, इस तरह से चीज़ों को जो एक्सप्लेन किया जाता है, इस तरह की चीज़ों को जब इंक्लूड किया जाता है तो वो चीज़ें होती हैं सुपर नेचुरल चीज़ें, और उसका यूज़ कहलाता है सुपर नेचुरलिज्म। ठीक है, ओरिजिन है इस वर्ड का, सुपर मींस अबव, लैटिन ओरिजिन है इसका। ठीक है, एंड नेचुरो मींस नेचर। ठीक है, अबव नेचर चीज़ें होंगी। ठीक है, कि जो हमें जो नेचुरली नज़र आ रही हैं चीज़ें उससे थोड़ा बियॉन्ड होंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी आती है कि सुपर नेचुरलिज्म इज़ अपोज्ड टू कॉम्प्रीहेंशन, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, और इट इज़ मटीरियल स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं कि फिजिकल फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल हैं एंड बियॉन्ड द ग्रास्प ऑफ फिजिकल सेंस। ठीक है, आप इनको टच नहीं कर सकते हो और ये चीज़ें आपकी इमेजिनेशन में ही होंगी और ये एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। कॉलरिज की पोइम्स के बारे में कहा जाता है, दिस पोइम्स आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये कॉलरिज के बारे पोइट्री के बारे में कहा जाती है, सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, कि इसके पोइम्स ऐसे स्टफ पे बनी हुई हैं जिस पे ड्रीम बने होते हैं, जैसे कि ड्रीम होती है, इसकी पोइम्स नहीं है बल्कि वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई ख्वाब चल रहा है। ठीक है, अब ख्वाब क्यों चल रहा है, क्यों इस तरह से कहा गया है, क्योंकि कॉलरिज के जो पोइट्री के जो एलिमेंट्स हैं और जो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं और जो चीज़ें उसने लिखी हैं वो मोस्टली एक तो लिखी ख्वाब के दौरान हैं, या फिर किसी के ख्वाब का कुछ उसने एलिमेंट उसमें डाला है, या फिर अपने ख्वाब में देखी हैं उसने चीज़ें। ठीक है, और ये ओपियम ड्रीम्स कहा जाता है, ओपियम एक ड्रग थी। ठीक है, ये ड्रग एडिक्ट हो गया था, ये ड्रग लिया करता था ओपियम। ठीक है, ओपियम इसका वो जो पीरियड है जिन दिनों में इसने ओपियम बहुत ज़्यादा यूज़ की उसको कहा जाता है ओपियम डेज, कॉलरिज ओपियम डेज। ठीक है, कि इसने बहुत ज़्यादा यूज़ की, और इसके जो ड्रीम्स हैं उनको कहा जाता है ओपियम ड्रीम्स। और इस चीज़ का जो प्रूफ है कि ये ड्रग्स लेता था और इस उसके दौरान इसको जो हेलुसिनेशंस होती थी या फिर जो कुछ ये सोचता था और ड्रीम करता था वो चीज़ें ये फिर अपनी पोइम्स में लिख देता था, वो इसको इंस्पायर करती थी, मतलब इसको जो इंस्पिरेशन है वो अपने उन ड्रीम्स से मिलती थी जो ये ड्रग्ड होकर जो है वो इसको ख्वाब आते थे। ठीक है, और इस चीज़ का प्रूफ जो है वो इसकी जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, ठीक है, उसमें भी मिलता है, और इसने जो लेटर लिखे हैं अपनी वाइफ को और फ्रेंड्स को थ्रू आउट हिज ओपियम डेज, जब ये लिख रहा था ये सारा कुछ, ठीक है, अकेला रह रहा था उस दौरान, इसने अपनी वाइफ को और फ्रेंड्स को जो लेटर्स लिखे वो भी इस चीज़ का प्रूफ है कि ये जो पोइम्स हैं इसकी, इसको इंस्पिरेशन मिली कहाँ से है। ठीक है, कहा जाता है इट लिव्स एंड ब्रीथिज बिफोर आइज एंड येट इट इज़ फैंटेस्टिक, इम्प्रोबेबल, इवन इम्पॉसिबल। ये कॉलरिज ने खुद कहा है अपने ड्रीम्स के बारे में, इट लिव्स एंड ब्रीथिज बिफोर आइज एंड येट इट इज़ फैंटेस्टिक, इम्प्रोबेबल, इवन इम्पॉसिबल, कि जो वो ड्रीम देखता था उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें देखता था और बिल्कुल वही इसने अपनी पोइट्री में लिखी हैं। अच्छा, इसके जो पोइम्स हैं इसकी, जो कुबला खान है वो भी, वो इसने खुद ड्रीम देखा था। ठीक है, ये ड्रग था और उसके एक पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था और उसके दौरान इसने ड्रीम देखा और उसके बाद इसने उस पर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, जो एंशियंट मिलाइनर है वो इसके फ्रेंड ने ड्रीम देखा था,
उसका नाम था क्रूशैंक, इसका एक फ्रेंड था, उसने ड्रीम देखा था। और उसके ड्रीम उसने आकर बताया कि मैंने इस तरह से एक स्केलेटन शिप देखा है, बड़े अजीब सा था कि एक शिप था और वो स्केलेटन थे उसमें, ठीक है, इंसान नहीं थे, और कुछ अजीबो गरीब सा उसने जो है वो एटमोसफेयर बताया। तो उससे इसको इंस्पिरेशन मिली और इसने लिखी अपनी दी एंशियंट मराइनर, ठीक है। क्रिस्टबल भी इसने खुद ख्वाब देखा था और इसने फिर लिखा था। फिर उसके बाद आ जाता है कि सुपर नेचुरल को बिल्कुल नेचुरल किस तरह से बना देता है, ठीक है। कॉलरेज खुद कहता है कि नेचर इज़ द वाइड वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, ठीक है, कि नेचर जो है एक वाइड वर्ल्ड है आई एंड ईयर की, जो आप देखते हो और जो आप सुनते हो, जो भी आपके इर्द गिर्द है, योर सराउंडिंग्स आर द नेचर, ठीक है। एंड वी रिसीव बट वट वी गिव, एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव, कि हमारे जो ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो एक चीज़ मौजूद है और जो हमें जो लाइफ दे रही है और लाइफ होने का एहसास दिला रही है, वो नेचर है, ठीक है। कि लाइफ अलोन, इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव, कि हम नहीं रह रहे हैं, बेसिकली नेचर ज़िंदा रह रही है और नेचर ज़िंदा रख रही है, ठीक है। और हम वट वी गिव, जो हम दे रहे हैं वही वापस आ रहे हैं, मतलब ये एक सर्कल है, ठीक है, वाइस वर्सा है, जो आप दे रहे हो वो आ रहा है, जो आ रहा है वही आप दे रहे हो, ठीक है। मतलब जो आप फील कर रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो जिस तरह का, आप वही चीज़ जो है वो मतलब एक्सट्रैक्ट भी करोगे, वो आप में से निकलेगी, इवॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आप जो अच्छी चीज़ें पिक कर रहे हो, पॉजिटिविटी पिक कर रहे हो अपने नेचर से, नेचर से इर्द गिर्द से, ठीक है। ही मेक्स सुपर नेचुरल अपीयर्स टू बी नेचुरल नेचर, नेचुरल इन ऑल रिस्पेक्ट, एंड देन ही एम्प्लॉयज़ दोज मैथड्स विच आर सजेस्टिव, साइकोलॉजिकल एंड सोफिस्टिकेटेड, सो दैट द फीलिंग्स ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सुपर नेचुरल बिकम्स बिलीवेबल एंड कन्विंसिंग इन दिस वे। क्या करता है वो, कि वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जब भी डालता है तो वो उनको इतना सजेस्टिव और इतना कन्विंसिंग बना देता है कि वो आपको बिल्कुल नेचुरल इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। वो आपको लग ही नहीं रहा होता कि वो कोई आर्टिफिशियल सी चीज़ बयान कर रहा है या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ बता रहा है जो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डील कर रहा होता है उसको, उस चीज़ को, जितने भी ये सुपर नेचुरल एलिमेंट यूज़ करेगा हर चीज़ में ये साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट जो है उसको ज़रूर इंक्लूड करेगा अपनी पोइम्स में, ठीक है। अभी मैं आगे जो एक्सप्लेन करूँगी आपको ऐसा ऐसा पता चलता जाएगा कि साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं उसमें और सजेस्टिवनेस कहाँ आ रही है, ठीक है। अच्छा, सुपर नेचुरल एलिमेंट जो इसकी द एंशियंट मराइनर है उसमें आता है, अच्छा सबसे पहले तो आता है एंशियंट मैरिनर में कि ये जो मैरिनर है इसकी ग्लिटरिंग आइज़ में एक मैग्नेटिक लुक है जो वो वेडिंग गेस्ट को देता है, ठीक है, उनको जो अट्रैक्ट करता है और उनको अपने शहर में मुब्तला कर लेता है, दैट इज़ हिज ग्लिटरिंग आइज़ एंड हिज मैग्नेटिक लुक, ठीक है, जो उसकी आइज़ में है, जो वो उन वेडिंग गेस्ट को कर रही है, ठीक है, उन पर एक असर कर रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो वो हो गई, ये जो शुरुआत की, उसके बाद वो जो सफ़र शुरू होता है और सारा कुछ होता है उसमें अभी थोड़ा सा इतना नहीं होता कि कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट हो, सिर्फ वो जो इसकी ग्लिटरिंग आइज़ में एक मैग्नेटिक लुक थी, इसकी जो गेज थी थोड़ी अननेचुरल थी, वो सुपर नेचुरल थी, ठीक है। उसके बाद सुपर नेचुरल एलिमेंट आता है कि जो शिप अपीयर होता है, एक स्केलेटन शिप जो अपीयर होता है, ठीक है, मैरिनर के सामने, वो शिप जो है उसकी, वो जिस तरह वो बताते हैं कि उसकी रिब्स हैं वो इस तरह से, अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी है तो आपको पता चल जाएगा, वो उनका भी ये जो है वो स्केलेटन शिप अपीयर होता है और उसमें से स्केलेटन्स निकल कर आते हैं, तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में वो बिल्कुल वो इसी चीज़ को ही बताया गया, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल इसी की डिपिक्शन है ये स्केलेटन शिप की, ठीक है। तो इसमें लाइन आती है इसकी एंशियंट मैरिनर में, वो कहते हैं शिप विद रिब्स एंड कॉब वेब लाइक सेल्स, मतलब वो वेब की तरह के सेल्स से, बड़े अजीबो गरीब से कि उनको देखकर डर लग, ग्रैंड शिप सेल्स विदाउट विंड एंड टाइड, जहाँ पर इनका शिप तो रुका हुआ है कि वहाँ पे ना विंड है ना टाइड है, ठीक है, बिल्कुल मोशनलेस ओशन में किस तरह से कोई शिप चलेगा, शिप तो चल ही टाइड पे रहा होता है ना, जिस तरफ को हवा होती है और वो उसी तरफ को सेल कर रहा होता है, विदाउट विंड एंड टाइड इनका शिप खड़ा है, लेकिन वो जो स्केलेटन शिप है वो उस मोशनलेस ओशन में वो इनकी तरफ बढ़ रहा है, तो दैट इज़ अ सुपर नेचुरल थिंग, ठीक है। फिर आता है स्पेक्टर वेमेन, मतलब उसमें से अब जो शिप में से जो दो लोग आ रहे हैं वो एक थी डेथ और एक थी लाइफ इन डेथ, जो डेथ है वो पार्टनर है किसका, लाइफ इन डेथ का, लाइफ इन डेथ को इन्होंने शी कहा है एंड डेथ इज़
ही, ठीक है। तो स्पेक्टर वेमेन जो है वो लाइफ इन डेथ है, ठीक है। ये एक बड़ा, ये सुपर नेचुरल एक चीज़ है इसका, ठीक है, कि इसने वो जो स्केलेटन है उसमें से एक को नाम दे दिया हुआ है, एक जो वो स्पीशी उसमें से आई है उसका नाम है लाइफ इन डेथ, जो कि है एक स्पेक्टर वेमेन। उसकी जो ये बता रहा है कि उसकी अपीयरेंस क्या है, अब ये वो आप वो खुद ही उसमें एक चीज़ आ जाएगी। हर लिप्स वर रेड, हर लुक्स वर फ्री, हर लॉक्स वर येलो एज गोल्ड, मतलब उसके जो बाल थे, हर स्किन वॉज एज वाइट एज लेप्रोजी। और आगे वो बात कर रहे हैं, द नाइट मेयर लाइफ इन डेथ वॉज ही, मतलब वो एक डरावना ख्वाब थी, हु थिक मैंस ब्लड विद कोल्ड, कि इंसान का जो खून है वो जैसे जम नहीं जाता सर्दी से या फिर डर से, वो उस तरह से वो इंसान को बिल्कुल साकत कर दे, उसको ख़त्म कर दे। मतलब लाइफ एंड डेथ का मतलब है सफरिंग आपकी, जो इसमें जो सुपर नेचुरल को इसने साइकोलॉजिकल किस तरह से डील किया कि लाइफ एंड डेथ जो है वो सिंबलाइज कर रही है सफरिंग को, ठीक है। जो स्केलेटन शेप है वो आप पे जो आने वाली जो एक आफत है वो आप पे वो आने वाली है, वो उस चीज़ को कर रहा है कि वो बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल तूफान का कोई आसार नहीं है, बिल्कुल खामोशी है, नो टाइड एंड नो विंड, देयर इज़ नथिंग, मतलब कुछ होने वाला है, ठीक है। और स्केलेटन शेप अपीयर होता है अचानक से, ठीक है, कि बिल्कुल आप जहाँ पे उम्मीद भी नहीं कर रहे होते और अचानक से आपके ऊपर कोई जो है वो सफरिंग आ जाती है, कोई मिजरी आ जाती है, ठीक है, कोई बैड लक, कोई अनफॉर्चून आ जाती है आप पे, ठीक है, फॉल कर जाती है उसी तरह। और जब उसमें से लाइफ इन डेथ निकलती है, दैट इज़ इटर्नल सफरिंग, कि आपने अपनी लाइफ में आप भुगतना है उस चीज़ को, आपके किसी भी बैड डिसीजन को। उसके बाद सुपर नेचुरल एलिमेंट होगा डेड क्रू कमिंग बैक टू लाइफ। अब वो जो डेड क्रू है, जो इसके जो सेलर्स थे और सारा कुछ थे, वो लोग क्योंकि वो उन पे जब डेथ और लाइफ इन डेथ जो है वो आपस में खेलते हैं, बैट लगाते हैं, तो उसमें डेथ जीत जाती है और डेथ जो है वो सेलर्स के साइड पे होती है और लाइफ इन डेथ जो होती है वो मैरिनर की साइड पे होती है, ठीक है। तो सारे सेलर्स जो हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, और लाइफ इन डेथ जो है वो मैरिनर को जो है वो एक मिजरेबल लाइफ देती है, ठीक है। अब ये जब उसके बाद जिंदा होते हैं, ठीक है, जब सारा कुछ होता है, जब ये अल्बेट्रॉस की गर्दन से उतरता है, तो वो जो सारा सीन होता है वो द डेड मैन ग्रेव ग्रोन, मतलब वो जब उठ रहे हैं ना, वो एक अजीब सा समा है, कि ये भी वो पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन में हैं ये सीन इस किस्म के, कि डेड मैन गेव ग्रोन दे स्टर्ड दे ऑल अप्रोज नॉर स्पेक नॉर मूव्ड देयर आइज दे रेज्ड देयर लिम्स लाइक लाइफलेस टूल्स। मतलब वो जो क्रू जो है वो मर चुका था, अब वो जब जिंदा हो रहा है उनकी जो आवाज़ें निकल रही हैं और वो बिल्कुल ना उनकी आंखें मूव कर रही हैं, ना वो कुछ बोल रहे हैं, ना वो कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो किसी टूल की तरह, किसी चीज़ की तरह वो जिंदा हो रहे हैं और उठ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सुपर नेचुरल और एक टेरिबल और हॉरिफिक किस्म का जो एक सीन था वो इसने अपनी पोइम में इंक्लूड किया, ठीक है। और सडन सिंकिंग ऑफ द शिप, जब जो सिक है वो जो शिप है वो एक वर्लपूल में सिंक होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ सुपर नेचुरल एलिमेंट। ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है, जो ये अपनी पोइम में इस तरह की चीज़ें जो ये डालता है, ये ड्रीम लाइक सिचुएशंस जो हैं ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। क्रिस्टबल में भी कुछ इसी किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि क्रिस्टबल जो है वो जब घर से बाहर आ रही है रात के टाइम, अपने फियांसी से मिलने के लिए बाहर आ रही है, जंगल में जा रही है, वो रात का टाइम जंगल में जाना, ठीक है, आधी रात वो अकेली लड़की बाहर आई है, तो ये सारा कुछ एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा और बड़ा ही सुपर नेचुरल सा लगता है कि कुछ होगा, सस्पेंस सा है, ठीक है। और जिस तरह इट गिव्स थ्रिल्स, तो ग्रोनिंग ऑफ फास्ट स्लीप मैस्टिफ बिच, ठीक है, कोई बिच जो है उसकी वो पास में सो रही और उसकी जिस तरह की आवाज़ें हो रही आ रही होती हैं, ठीक है, वो वाली जो चीज़ें हैं, जिस तरह हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो उसमें वो आवाज़ आ रही होती है एक, और वो कुछ हीरोइन जंगल में जा रही होती है, कुछ इस किस्म के सीन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है क्रिस्टबल में भी। और डार्टिंग ऑफ फ्लेम फ्रॉम एक्सटिंग्विश्ड फायर, मतलब आग बुझी हुई में से वो फ्लेम है, ठीक है। और इनोसेंट लुकिंग गर्ल फाउंड, जो विच मिलती है, ठीक है, जो गेराल्डीन उसको मिलती है, अकेली जो लड़की है, खूबसूरत सी लड़की, मासूम सी एक, वो उधर मिल रही है, तो वो भी वो पता है ना, वो इस तरह के वो होती हैं, वो चुड़ैलें ही होती हैं वो बाहर जो इस तरह मिलती हैं, तो वो भी कुछ इसी किस्म का होता है, वो भी चुड़ैली थी। फिर डेवलिश पावर ऑफ गेराल्डीन्स आइज़, वो उसको जिस तरह गेज़ करती है और उसको
जैसे हिप्नोटाइज कर लेती है, वो वाली चीज़ें, ठीक है। अब क्रिस्टबल में जो इस सारे सुपरनेचुरल जो एक उसने एटमॉस्फेयर एक बनाया है कॉलरेज ने, उसमें वो लेसन जो दे रहा था वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था इस एक हर चीज़ का, कि वो आधी रात को बाहर जा रही है और उसने नहीं देखा कि वहाँ पर उसे कुछ भी हो सकता है, और वो वहाँ पर वो जो लड़की उसे मिलती है वो उसको अपने घर भी ले आती है, उससे इतना प्यार करती है, उस पर इतना ट्रस्ट करती है। लेकिन वो लड़की क्या करती है गेराल्डीन, वो उसको डिच करती है, वो असल में एक विच होती है, ठीक है। जब क्रिस्टबल अपने बाप को ये बताना चाहती है कि मतलब गेराल्डीन सही नहीं है एंड ऑल दैट, तो गेराल्डीन उसके बाप के साथ वो चली जाती है और क्रिस्टबल अकेली रह जाती है, ठीक है। इसमें जो सारा साइकोलॉजिकल एक वो चीज़ कह रहा है कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अनकंडीशनल प्यार करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स भी आपसे अनकंडीशनल प्यार कर रहा हो। हो सकता है वो शख्स आपको सिर्फ धोखा दे रहा हो, आपको यूज़ कर रहा हो, टाइम पास कर रहा हो, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्यार के बदले प्यार ही मिलना है, कभी आपको प्यार के बदले धोखा भी मिल सकता है, और आपको ऐसे लोग भी छोड़ के जा सकते हैं। इस तरह इसका जो क्रिस्टबल का जो फादर है वो इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जिस पे आप कहो कि ये मेरा गो टू पर्सन है, ठीक है, कि मैं इसके पास कभी भी जा सकता हूँ, किसी भी वक्त जो है वो मैं इसकी हेल्प मांग सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स आपको हेल्प ही करे, वो भी आपको छोड़कर जा सकता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आप किसी से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, इसमें कुछ भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा जो लव्ड वंस होते हैं वही आपको अक्सर छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर जो कुबला खान है, कुबला खान में जो वो पूरा एक जो पैलेस का और वो जो डोम का जो सारे वो करता है, पिक्चराइज करता है, तो वो सारी चीज़ें भी खुद में ही एक सुपरनेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल नहीं लग रही हैं, लेकिन वो हैं ही बियॉन्ड इमेजिनेशन चीज़ें हैं। जिस तरह, और ये भी कॉलरेज का ड्रीम था, उस परचेज पिलग्रमेज पढ़ रहा था मैंने अपनी जो इसकी की है ट्रांसलेशन कुबला खान की, उसमें ये सब कुछ बताया है। तो उसमें ये परचेज पिलग्रमेज पढ़ रहा था और ये ऑब्वियसली ड्रग्ड था, और पढ़ते पढ़ते सो गया, और सोते हुए इसने ये ख्वाब देखा था, ठीक है। अ सेवेज प्लेस एज होली इंचेंटेड एज एवर बीनीथ अ वार्निंग मून वॉज हॉन्टेड बाय वमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर, ठीक है। ये सारी जो लाइंस हैं, ये आप सुपर नेचुरल एलिमेंट शो करने के लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ये जो कुबला खान में इसने ये बताई हैं, तो ये सुपर नेचुरली तो लग रही हैं, इसमें क्या नेचुरल है, इसमें क्या आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल एक पोइम चल रही है, बिल्कुल नेचुरल सी, ये थोड़ा सा हॉरर सा टच दे रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा बियॉन्ड इमेजिनेशन दे रही हैं। ज़ेनेडू इज़ अ मैजिकल प्लेस अनयूजुअल टू बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि ज़ेनेडू में वो क्या बता रहा है, माइटी फाउंटेन बर्स्ट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, कैवर्न्स मेयरलेस टू मैन, के कैवर्न्स जो हैं वो मेयरलेस हैं, ठीक है, माइटी फाउंटेन्स, और वो जो रॉक्स जिस तरह से वो कर रहे हैं, लीप कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह के सीन बताता है, तो वो सारा कुछ एक मैजिकल सा एक पिक्चराइजेशन होती है, ठीक है। फिर कुबला जो हियर करता है अपने इंसेस्टर्स की आवाज़ें कि वॉर को वो कह रहे हैं कि वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रोफेसाई कर रहे हैं कि वॉर होगी, ठीक है, वो जो इंसेस्टर्स की आवाज़ें हैं वो भी सुपरनेचुरल चीज़ें हैं, कि उनकी जो सोल्स हैं वो इसको बता रही हैं, ठीक है, वॉर्न कर रही हैं अबाउट द वॉर, ठीक है। ए सनी प्लेयर डोम विद केव्स ऑफ आइस, के सनी प्लेयर डोम है और विद केव्स ऑफ आइस, कहाँ सनी डोम एंड कहाँ केव्स ऑफ आइस, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी देखें आप किस तरह वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, और एक सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। ऑन हेयरिंग, और फिर जो वो ये एबेसिनियन मेड जो है वो सिंग कर रही होती है और डल्सिमर को प्ले कर रही होती है, तो नरेटर कहता है कि अगर मैं उसके म्यूज़िक को रिवाइव करूँ तो मैं एक इस तरह का प्लेयर डोम बना सकता हूँ जिसको अगर कोई देख ले तो वो इस तरह से डर जाए, दैट हिज फ्लैशिंग आइज, कि अगर कोई देख ले तो ही वुड बी फ्राइटेंड ऑफ हिज फ्लैशिंग आइज हिज फ्लोटिंग हेयर फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, ये लास्ट लाइन्स हैं जिसमें अब वो कह रहा है कि मतलब वो इस तरह की एक टेरर की कंडीशन बता रहा है, उसके बाद वो एंड में कह रहा है फॉर ही हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक विद मिल्क ऑफ पैराडाइज, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इसका सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आप इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है।
थ्रेटिकल फ्रेमवर्क में क्या आता है, फ्रेमवर्क में कि ये क्या चीज़ें यूज़ करता है, एक तो ड्रीम है जो मैं आपको पहले से बताई जा रही हूँ कि ये ड्रीम्स देखता था, ठीक है, ड्रीम्स विजन एंड सजेस्टिवनेस। तो फिजियोलॉजिकली ड्रीम जो होता है इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू न्यूरल प्रोसेस ड्यूरिंग स्लीप, सोते हुए जो आप देखते हो जो आपके सब कॉन्शियस में होते हैं अक्सर वो आपके ख्वाब में आ जाते हैं। एंड स्पिरिचुअली ड्रीम होते हैं जिसकी कोई ताबीर होती है, जो कोई इशारा कर रहे होते हैं आपको, इज़ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ डिवाइन मैसेज और प्रेडिक्शन, कि ड्रीम्स जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे होते हैं, मैसेज कन्वे करने के लिए आते हैं स्पिरिचुअली, ठीक है। और कॉलरिज के लिए ड्रीम्स आर नो शेडोज, दे आर द वेरी सब्सटेंस ऑफ हिज लाइफ, ही इज फेड ऑन हिज ड्रीम्स एंड वाइटलाइजेज देम इन हिज पावर। क्यों कहा गया है कि कॉलरिज के लिए ड्रीम्स कोई शेडो नहीं थे, कॉलरिज के लिए उसकी लाइफ का सब्सटेंस थे, क्योंकि कॉलरिज की बहुत उम्दा बहुत आला पोइम की जितनी भी पोइम्स हैं वो सारी उसके ड्रीम्स से इंस्पायर्ड हैं, वो किसी ना किसी ड्रीम से जो है वो लिंक्ड हैं, ठीक है। इसलिए जो कॉलरिज के बारे में कहा जाता है ही इज़ फेड ऑन हिज ड्रीम्स एंड वाइटलाइजेज देम इन हिज पावर, ठीक है, इसलिए कॉलरिज के बारे में कहा जाता है। कुबला खान भी ड्रीम है, एंशियंट मराइनर भी ड्रीम है किसी का, ठीक है। विजन, विजन जो वो अपनी पोइम्स में एक विजन दिखाता है, विजन इज़ अ पावर ऑफ सीइंग और इमेजिनिंग अहेड, जो वो चीज़ें मतलब एक तो ड्रीम से तो वो इंस्पायर हो रहा है, कुछ इन्फ्लुएंस ले रहा है, कुछ चीज़ें तो ड्रीम में देखी थी, लेकिन उसको फिर एग्जैजरेट करना, उसको एक बैलेंस में रख के चीज़ों को जो है वो एक जो है वो प्रेजेंट करना अपनी पोइम में, और कहाँ पे चीज़ों को एग्जैजरेट करना है और कहाँ पे थोड़ा सा लिमिटाइज करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, उस चीज़ को सोचना, उसको बैलेंस करना, ये सारा कुछ आपका विजन है कि आप किस तरह से लेकर चलते हो चीज़ों को, आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। एंड फोकस्ड ऑन द विजुअल इफेक्ट्स ऑफ मटीरियल थियरीज एकम्पनीड विद सेंसेशन परसेप्शन इमेजिनेशन मेमोरी एंड कॉग्निशन, ठीक है, कि आप चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हो, आप किस तरह से उन चीज़ों को बताते हो, ठीक है, और किस तरह से यूज़ करते हो इन चीज़ों का, ठीक है, ये सेंसेशन परसेप्शन इमेजिनेशन मेमोरी एंड कॉग्निशन का। सजेस्टिवनेस, इट इज़ टेंडिंग टू ब्रिंग आइडिया इनटू माइंड, कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, क्या सजेस्टिवनेस है आपकी पोइम्स में, ठीक है। इट एड्स अ टच ऑफ सटलिटी टू द पोइम, इन्हेंसेस द सुपर नेचुरल मिस्ट्री एंड इन्हेंसेस द वेग एंड सबड्यूड हॉरर, ठीक है, कि वो जो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा करता था कि मतलब वो एक लड़की जो है वो रात को जंगल में जा रही है, वैसे भी हो सकती है, देखिए अगर हम कोई नॉर्मल पोइम नॉर्मल मूवी देख रहे हो उसमें लड़की रात ही रात को जाएगी तो कोई इस तरह का हॉरर सा सीन हमें फील नहीं होगा, लेकिन हॉरर मूवी में उसी को वो थोड़ा सा साउंड्स डाल के थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट्स डाल के उसको ज़्यादा ही हॉरर कर दिया जाता है कि हम छुप रहे होते हैं और हमें डर लग रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह ये एक आम सी सिचुएशन को भी कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेगा अपनी पोइट्री में, उस तरह के लव्स यूज करेगा कि आपको वो इफेक्ट देंगे, ठीक है, मतलब ये वर्बल इफेक्ट उस तरह के दे रहा है, वो सजेस्टिवनेस, वो सजेस्ट कर रहा है उस तरह की चीज़ें जो वो बताना चाह रहा है, ठीक है, और साथ में वो जो वो मॉरल लेसन देना चाह रहा होता है अपनी पोइम्स में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये इसके सुपर नेचुरल एलिमेंट थे कुछ, आप ये लाइन्स यूज कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अपने पेपर में इन क्वेश्चंस के लिए। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।